इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन हम देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि शॉर्ट पिच कॉइल का डिसएडवांटेज क्या होता है। शॉर्ट पिच कॉइल, तो शॉर्ट पिच कॉइल अगर हम मशीन के अंदर यूज करते हैं तो इसका डिसएडवांटेज होता है कि कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब ये वोल्टेज है कॉइल के अक्रॉस क्यों रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम देखें कि कोई भी अगर फ्रैक्शनल पैच वाइंडिंग हम यूज करते हैं, फ्रैक्शनल पैच वाइंडिंग में टू साइड होती है कोई भी कॉइल के अंदर, इस तरीके से कोई कॉइल होगी उसके अंदर दो साइड होगी फ्रैक्शनल पैच वाइंडिंग के अंदर, और ये दोनों कॉइल हैं यहाँ पर, टू साइड ऑफ द गिवन कॉइल आर नॉट एट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट अंडर द एडजेसेंट पोल। तो हम कह सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द टू साइड इज स्लाइटली आउट ऑफ फेज, तो दोनों साइड जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कॉइल के साइड वो आउट ऑफ फेज प्रोड्यूस होगा, और आउट ऑफ फेज प्रोड्यूस होने की वजह से कॉइल का ईएमएफ है वो लेस देन हो जाता है फुल पिच कॉइल से। तो फुल पिच कॉइल से लेस देन होने की वजह से ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज अराउंड द कॉइल इज रिड्यूस। दूसरा हम देखें कि मान लीजिए क्या दे रखा है हमें, एक रेटेड स्पीड दे रखी है डीसी शंट मोटर के लिए, डीसी शंट मोटर दे रखी है स्पीड दे रखी है वो दे रखी है हमें 1050 आरपीएम, यानी 1050 आरपीएम हमें डीसी शंट मोटर के लिए रेटेड स्पीड दे रखी है। अब इस मशीन को हमें रन कराना है किस पर, इस मशीन को रन हमें कराना है 1200 आरपीएम पर, यानी मशीन को 1200 आरपीएम पर रन कराना है। तो स्पीड कंट्रोल स्कीम हम यूज करते हैं वो कौन सी स्पीड कंट्रोल हम यूज करेंगे, यानी इसमें कौन सा मेथड हम स्पीड कंट्रोल के लिए यूज करेंगे। रेटेड स्पीड से ज़्यादा अगर मशीन को हमें रन कराना है तो हम वार्ड लियोनार्ड मेथड है हम यहाँ पर, ये वार्ड लियोनार्ड नहीं है, हम क्या यूज करेंगे, फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड यूज करेंगे। फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, ये मेथड है हम, क्योंकि अगर हमें रेटेड स्पीड से अबव स्पीड अगर हमें अचीव करनी है तो हमें यहाँ पर फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल हम किसके कर सकते हैं, फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल हम कर सकते हैं फील्ड रेजिस्टेंस को चेंज करके। इस वजह से यहाँ पर फील्ड बनानी है तो हमें यहाँ पर फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड है ये यूज करना होगा। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर 500 केवीए इसकी रेटिंग दे रखी है, ट्रांसफार्मर की एक ट्रांसफार्मर है उसकी 500 केवीए रेटिंग दे रखी है, 200 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर है, और ये ऑपरेट हो रहा है किस पर, 50 हर्ट्ज पर ये ऑपरेट हो रहा है, यानी 200 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है। पहले 500 केवीए पर ऑपरेट हो रहा था, अभी इसकी केवीए रेटिंग क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी से क्या चेंज होने वाला है, जैसे हम देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी है, तो यहाँ पर रेटिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रेटिंग की बात करें, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग दी जाती है वो किस तरीके से दी जाती है, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग की बात करें हम, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये ट्रांसफार्मर है, ये इसका रेशियो दे रखा है, यहाँ पर करंट फ्लो होगी वो I1 करंट फ्लो होगी, इधर जो करंट फ्लो होगी यहाँ पर वो I2 करंट फ्लो होगी। अब यहाँ पर जो वोल्टेज होगा V1 होगा, यहाँ पर EMF V2 E2 होगा, यहाँ पर E2 होगा और यहाँ पर V2 वोल्टेज होगा, यानी कि हम कह सकते हैं V2। अब जो वैल्यू होगी E1 और I1 की वैल्यू वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए, E1 I1 ट्रांसफार्मर के लिए। इसका मतलब अगर कोई भी वोल्टेज नहीं है, कोई भी वोल्टेज नहीं है तो हम कह सकते हैं नो वोल्टेज की कंडीशन में क्या होगा, कोई भी वोल्टेज नहीं है। लेकिन अगर ई है यहाँ पर क्या है, ई बता रहा है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ बता रहा है,
तो लॉस वोल्टेज के अंदर होंगे, यानी लॉस ऑफ वोल्टेज इज नेग्लेक्टेड। तो लॉस ऑफ वोल्टेज अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो V को हम E ही मान लेते हैं, लॉस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो V को E मान लिया हमने। तो रेटिंग जो दी जाती है वो रेटिंग कैसे दी जाती है, V इंटू I से रेटिंग दी जाती है, KVA रेटिंग है V इंटू I से दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या देते हैं, V और E को हमने बराबर मान लिया है तो E इंटू I, इससे हम रेटिंग दे सकते हैं। और जो बैक EMF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि जो E की वैल्यू क्या होती है, E बैक EMF होता है अंडर रूट टू पाई एफ फाई एन। तो ये बैक EMF है, यानी जो यहाँ पर इंड्यूड EMF है ट्रांसफार्मर के अंदर, जो इंड्यूड EMF है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अंडर रूट टू इंटू पाई इंटू एफ इंटू फाई इंटू एन। तो यहाँ पर फाई फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर ये चेंज हो रही है पाई इंटू एफ इंटू फाई इंटू एन, तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए कि के वी ए रेटिंग पहले दे रखी है 500 के वी ए, तो पहली कंडीशन में के वी ए रेटिंग डिवाइड बाई सेकेंड कंडीशन में के वी ए रेटिंग इक्वल टू होगा पहली कंडीशन में फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई सेकेंड कंडीशन में फ्रीक्वेंसी। पहली कंडीशन में के वी रेटिंग कितनी दे रखी है 500, दूसरी कंडीशन में हमें निकालनी है, पहली कंडीशन फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 200, दूसरी कंडीशन में कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज दे रखी है। तो हम यहाँ पर के वी ए टू की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, 500 इंटू 50 डिवाइड बाई 200, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा 25, तो रेटिंग यहाँ पर क्या हो गई है, हाफ हो गई है। फ्रीक्वेंसी 1/4 है तो क्या रेटिंग यहाँ पर हाफ हो गई है। नेक्स्ट हम देखें, एक क्वेश्चन दिया गया है हमें, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, उसके अंदर वोल्टेज दे रखा है और आर्मेचर करंट दे रखी है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर दे रखा है, सेपरेटली डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, वो ऑपरेट हो रहा है वी वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, और इसकी आर्मेचर करंट है वो दे रखी है आई ए, इसकी आर्मेचर करंट दे रखी है। आर्मेचर रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है आर ए, आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा है। एंड द जनरेटर हैज कॉन्स्टेंट लॉस, तो जनरेटर के अंदर कॉन्स्टेंट लॉसेज हैं, वो कॉन्स्टेंट लॉस क्या है, पी सी। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर, और जनरेटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कॉन्स्टेंट लॉस क्या होंगे वो हमसे पूछा है, एफिशिएंसी के लिए। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कॉन्स्टेंट लॉस की बात करें तो कॉन्स्टेंट लॉस मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या होंगे, तो यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो आर्मेचर करंट है वो इक्वल टू होगी अंडर रूट पी सी डिवाइड बाई आर। कि अगर यहाँ पर जनरेटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी है तो कॉन्स्टेंट लॉसेज हैं, इस तरीके से निकाले जाते हैं। तो यहाँ से हम आई ए और आर ए से कॉन्स्टेंट लॉसेज निकाल सकते हैं, यानी कि आई ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए स्क्वायर आर ए इक्वल टू क्या होता है, पी सी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्क कर देते हैं, तो ये हमारा लॉस के इक्वलेंट होता है। तो ये कॉन्स्टेंट लॉसेज है जिसको कॉपर लॉस कहा जाता है। तो इसको यहाँ पर आई ए को इस तरीके से लिखा गया है कि डिवाइड कर दिया है आई ए को पी सी डिवाइड बाई आर ए, और फिर दोनों का अंडर रूट कर दिया है, तो आई ए की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, पांचवा नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए वाउंड रोटर मोटर द रोटर वाइंडिंग इज वाउंड फॉर पोल। तो वाउंड रोटर मोटर दे रखा है हमें, वाउंड रोटर मोटर, तो बाउंड रोटर मोटर के अंदर क्या होता है, रोटर वाइंडिंग के अंदर जो पोल होते हैं, रोटर वाइंडिंग इज बाउंड फॉर पोल। तो रोटर वाइंडिंग है यहाँ पर किसके लिए बाउंड की जाती है, पोल के लिए बाउंड की जाती है। ये इक्वल टू होती है स्टेटर वाइंडिंग के, इक्वल होती है वाइंडिंग के, ये इक्वल होगी। नेक्स्ट हम देखें, सिक्स नंबर क्वेश्चन, कि आयरन लॉस दे रखे हैं 100 केवीए ट्रांसफार्मर का, वो 1 किलोवाट दे रखा है, 100 केवीए ट्रांसफार्मर दे रखा है, उसका आयरन लॉसेज जो दे रखे हैं यहाँ पर वो दे रखे हैं 1 किलोवाट, और यहाँ पर जो कॉपर लॉसेज हैं वो यहाँ पर फुल लोड कॉपर लॉसेज हैं 2 किलोवाट दे रखे हैं।
फुल लोड, कॉपर लॉस ये दिया हुआ है 2 किलोवाट। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो कौन से लोड पर अगर होगी वो हमें पूछा है कि मैक्सिमम 100 के भी दे रखा है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन यहाँ पर पूछी है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो किस लोड पर प्राप्त होगी, यानी लोड की वैल्यू क्या होगी 100 के से क्या बढ़ेगा या घटेगा वो हमसे पूछा है। तो लोड की बात करें मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए लोड क्या होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए यहाँ पर लोड का फार्मूला होता है एस फुल लोड अंडरवुड आयरन लॉसेज डिवाइड बाय कॉपर लॉसेज, फुल लोड कॉपर लॉसेज इस तरीके से होता है। तो एस फुल लोड कितना दे रखा है 100 के वी है, एन टू अंडरवुड आयरन लॉसेज कितना दे रखा है 1 डिवाइड बाय कॉपर लॉसेज फुल लोड पर कितना दे रखा है 2, तो रूट 2 का हम भाग दे देंगे 100 में तो ये आ जाएगा 70.7 KVA, तो ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, जैसे कॉम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर है वो 20 एम्पियर दे रहा है, क्वेश्चन क्या है कॉम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर है, एम्पियर पर ये सप्लाई कर रहा है कितने वोल्टेज पर, ये 200 वोल्टेज पर 20 एम्पियर सप्लाई कर रहा है। अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, इफ दी सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड, तो इसकी क्या है सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो हम क्या कर देते हैं शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो क्या होगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट कर दें तो टर्मिनल वोल्टेज पर क्या फिर पूछा, अब ये टर्मिनल वोल्टेज पर चेंज होगा नहीं होगा वो हमें देखना है। तो जैसे हमें देखना है कि कॉम्युलेटिव जो कंपाउंड डीसी जनरेटर है सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो किससे ऐड की जाती है, शंट फील्ड एक्साइटेशन को ऐड करने का काम करती है। व्हेन द सीरीज फील्ड वाइंडिंग ऑफ दिस जनरेटर इज शॉर्ट सर्किटेड द फील्ड एक्साइटेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड जनरेटर ईएमएफ है वो फेल करेगा यहाँ पर, यानी कि जनरेटर ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पर जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू डाउन होगी, इसकी वजह से सीरीज फील्ड वाइंडिंग को अगर शॉर्ट सर्किट करेंगे तो इसकी वजह से जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों होगी जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज, क्योंकि सीरीज फील्ड एक्साइटेशन है वो शंट फील्ड एक्साइटेशन से ऐड होती है, इसलिए जैसे ही हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो फील्ड एक्साइटेशन है वो डिक्रीज होगा और फील्ड एक्साइटेशन डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर जनरेशन जो जनरेटेड ईएमएफ है वो डिक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज है जनरेटर का उसके कंपैरिजन में क्या होगा डिक्रीज होगा, तो अगर जनरेटेड ईएमएफ डिक्रीज होगा तो टर्मिनल वोल्टेज है जनरेटर का वो भी डिक्रीज, होगा 200 वोल्ट। नेक्स्ट हम देखें, जैसे मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दे रखा है डीसी सीरीज मोटर का, डीसी सीरीज मोटर विथ रेटेड वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट, तो डीसी सीरीज मोटर रेटेड वोल्टेज दे रखा है डीसी सीरीज मोटर का 230। अब इसको कनेक्ट किया जाता है एसी सप्लाई के साथ में, यानी डीसी सीरीज मोटर है लेकिन कनेक्ट किसके साथ में कर दिया हमने एसी के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया है, तो क्या होगा अगर हम इसको एसी के साथ में कनेक्ट करेंगे, एसी के साथ में कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगी रन तो करेगी लेकिन लेस एफिशिएंसी के साथ में रन करेगी, रन एट लेस एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी है वो डीसी सीरीज मोटर की कम हो जाएगी क्योंकि सेम 230 वोल्ट एसी पर हमने इसको क्या किया है कनेक्ट किया है, इसलिए एफिशिएंसी इसकी डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि एक 150 वोल्ट डीसी मोटर है और आर्मेचर रेजिस्टेंस रखा 0.4 ओम, यानी वोल्टेज दे रखा
रखा है डीसी सीरीज मोटर रखा है यहाँ पर 150 वोल्ट। आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 0.4 ओम। बैक ईएमएफ की वैल्यू जो दे रखी है यानी ईवी बैक ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर वो दे रखी है 142 वोल्ट। हमें निकालनी है आर्मेचर करंट की वैल्यू। तो डीसी मोटर की बात कर रहे हैं इसलिए आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालनी है। तो आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या होती है? आर्मेचर करंट की वैल्यू की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आर्मेचर करंट की वैल्यू जैसे हमारे पास जो आर्मेचर करंट के अकॉर्डिंग या डीसी मोटर का जो इक्वेशन होती है वोल्टेज इक्वेशन वो क्या होती है? प्लस ई वी इक्वल टू होता है वी। तो यहाँ से आई ए क्या निकाल सकते हैं? वी माइनस के ई वी डिवाइड बाई आर ए। तो बी माइनस ई वी क्या होगा? 150 माइनस 142 यानी कि 8 डिवाइड बाई 0.4। तो इससे वैल्यू हम करेंगे तो ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 4 यानी कि 20। तो 20 एम्पियर हमारे पास करंट आ जाएगी यानी आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या जानी आ जाएगी? 20 एम्पियर आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स इन ए थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर यानी थ्री फेज हमें क्या दे रखी है? सिंक्रोनस मोटर दे रखी है। सिंक्रोनस मोटर उसमें हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड क्या होगा फील्ड फ्लक्स का, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स। तो मैग्नीट्यूड है फील्ड फ्लक्स का, चाहे कोई सा भी लोड हो मैग्नीट्यूड है फील्ड फ्लक्स का वो कांस्टेंट रहता है ऑल लोड के लिए। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा यानी लोड के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड है फील्ड फ्लक्स का, चेंज नहीं होता किसके अंदर? थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के अंदर, क्योंकि वो सिंक्रोनस स्पीड पर ही रन करती है। अब बात करते हैं हम एक सिंक्रोनस मोटर हमें दे रखी है यहाँ पर, यही सिंक्रोनस मोटर है मान लीजिए, लीडिंग पावर फैक्टर सिंक्रोनस मोटर हमें दे रखी है। किस पर दे रखी है? सिंक्रोनस मोटर। अब लीडिंग पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर दे रखी है, उसकी कॉस्ट है वो एक कॉस्ट का कंपैरिजन हमें करना है। एक हमें लीडिंग पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर दे रखी है तो कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी? तो यहां पर हम बात करें लीडिंग पावर फैक्टर वाली जो मोटर है उसकी कॉस्ट है वो ज्यादा होती है कंपैरिजन टू यूनिटी पावर फैक्टर, क्योंकि हम कह सकते हैं कि लार्ज करंट कैपेसिटी है लीडिंग पावर फैक्टर के अंदर क्या होती है? लार्ज करंट कैपेसिटी होती है इसकी, लार्ज करंट कैरिंग कैपेसिटी, इसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। लार्ज करंट कैरिंग कैपेसिटी, इसकी वजह से इसकी कॉस्ट है हाई होती है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे 12वां नंबर का क्वेश्चन है ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हमें स्टार्ट करना है। द मशीन वे रिफ्यूज टू स्टार्ट एट ऑल, यानी हम थ्री फेज क्या करना चाह रहे हैं? थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मोटर है वो रिफ्यूज कर देती है यानी स्टार्ट होने से स्टार्ट नहीं होती है। तो ये कंडीशन किसकी वजह से होती है जिसकी वजह से ये स्टार्ट होने से मना कर देती है? तो ये कॉगिंग कहलाता है, कॉगिंग की वजह से ये स्टार्ट नहीं होती है, कॉगिंग मेथड है। यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर अगर स्टार्ट नहीं होती है तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? हमारा कॉगिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम देखें एडी करंट के बारे में बात करते हैं। एडी करंट लॉसेज जो डीसी मशीन के अंदर होते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन है डीसी मशीन के अंदर एडी करंट लॉसेज किस तरीके से एडी का डीसी मशीन के अंदर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में, बात करते हैं कि दो ट्रांसफार्मर हैं, इक्वल आउटपुट एंड वोल्टेज रेशियो है, क्या दे रखा है हमारे पास में? एक ए ट्रांसफार्मर दे रखा है, एक बी ट्रांसफार्मर दे रखा है। दोनों ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो इक्वल दे रखा है, वोल्टेज रेशियो है वो भी इक्वल दे रखा है, बट इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस इनकी अलग अलग दे रखी है। इम्पीडेंस जो दे रखी है पहले ट्रांसफार्मर की 4 दे रखी है,
और दूसरे ट्रांसफार्मर की 2 दे रखी है। अब इनको क्या करना है, दोनों ट्रांसफार्मर को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं और इसको हमने ट्रांसफार्मर ए विल रनिंग ओवरलोड बाई परसेंटेज, तो ट्रांसफार्मर ए है वो ओवरलोड के साथ में ऑपरेट होगा क्योंकि इसकी इम्पीडेंस क्या है, हाई है, तो ये ओवरलोड के साथ में रन होगा। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो किस परसेंटेज के साथ में, ओवरलोड के साथ में कनेक्ट होगा। तो ओवरलोड का अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ओवरलोड का परसेंटेज हम निकालते हैं अगर दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो ओवरलोड परसेंटेज निकालेंगे। ओवरलोड परसेंटेज इक्वल टू 2 / 2 + 4 यानी इम्पीडेंस डिवाइड बाई इम्पीडेंस का समीशन इंटू 100। तो इसी वैल्यू हम ओवरलोड परसेंटेज है, दो ट्रांसफार्मर अगर पैरेलल में ऑपरेट हो रहे हैं तो ओवरलोड परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से, जैसे प्राइमरी करंट हमें निकालनी है, एक फिगर दिया हुआ है उसमें प्राइमरी करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। जैसे फिगर कैसे दिया हुआ है, एक 10 वोल्ट दे रखा है इस तरीके से, मान लेते हैं ये 10 वोल्ट है, यहाँ पर इंडक्टेंस दे रखा है 5 ओम और इसके अंदर प्राइमरी करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए यहाँ पर प्राइमरी, और इस प्राइमरी करंट की वैल्यू हमसे पूछी जो भी करंट है, सेकेंडरी करंट यहाँ पर फ्लो होगी आई एस सेकेंडरी करंट, और यहाँ पर एक कैपेसिटेंस कनेक्टेड किया गया है 20, और यहाँ आर कनेक्ट किया गया है। अब हमें प्राइमरी करंट की वैल्यू निकालनी है, तो प्राइमरी करंट हम सिंपल इससे निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी तो ये कितनी आ जाएगी प्राइमरी करंट की वैल्यू, आईपी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10/5, यानी कि 2 एम्पियर करंट यहाँ पर प्राइमरी करंट की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस इधर आना चाह रहा है, तो रेजिस्टेंस इधर कैसे आ सकता है, रेजिस्टेंस को इधर लाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि 4/5 क्या करेंगे 100 के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40,000/10,000 हो जाएगा, तो ये से कट जाएगा यानी 4 आ जाएगी। प्राइमरी करंट की वैल्यू क्या होगी, 10/5 हम डायरेक्ट कर देंगे 2 एम्पियर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे हमें दे रखा है टैप रिकॉर्डर के लिए कौन सी मोटर हम यूज करते हैं, इसके लिए टैप रिकॉर्डर के लिए, तो टैप रिकॉर्डर के लिए हम स्टेसिस मोटर है यूज करते हैं, कोई भी टैप रिकॉर्डर होता है उसके लिए हम स्टेसिस मोटर को यूज में लेंगे, स्टेसिस मोटर को काम में लेंगे। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि एक अल्टरनेटर है वो लोड को सप्लाई कर रहा है 300 किलोवाट के लोड को सप्लाई कर रहा है और 0.6 पावर फैक्टर पर, तो बात कर रहे हैं हम अल्टरनेटर की, अल्टरनेटर कितना लोड है का लोड है और इसको 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर पर इसको क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। अगर पावर फैक्टर है इसको 0.6 से मान लीजिए हम यूनिटी तक बढ़ा देते हैं, तो ये जो लोड है यहाँ पर 300 किलोवाट का, ये कितना मोर किलोवाट अल्टरनेटर सप्लाई करेगा, यानी और कितना किलोवाट ये सप्लाई करने वाला है अगर 0.6 से इसको यूनिटी तक ले जाते हैं। तो इसको हमें निकालना है कितना और यहाँ पर सप्लाई कर सकता है इसको, यानी प्लस वाली संख्या हमें निकालनी है। तो सबसे पहले लोड का जो फार्मूला है यहाँ पर, लोड का फार्मूला क्या होता है,
लोड कितना दे रखा है, 500 KV आ जाएगी। अब ये यूनिटी पावर फैक्टर है, यानी कि कॉस फाई की वैल्यू बंदे रखी है, तो वी आई कॉस फाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू तो यूनिटी पावर फैक्टर क्या होती है, 1 होती है पर किलोवाट। तो हमें कितना किलोवाट और की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर 200 किलोवाट की और जरूरत पड़ेगी, 300 किलोवाट तो पहले से है, 200 किलोवाट की और हमें जरूरत पड़ेगी। तो अल्टरनेटर अगर हमें हमारा 0.6 लैगिंग से यूनिटी तक जाना चाहता है तो उसको 200 किलोवाट और यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, यानी सप्लाई करने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि हमारे पास में वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर दे रखी है, क्या दे रखी है, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर दे रखी है। तो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की हम बात करें, ये ऑपरेट हो रही है 60 हर्ट्ज पर, यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60 हर्ट्ज पर, और 1800 आरपीएम पर ये रन कर रही है। और अगर इसको हम बात करें 1800 आरपीएम पर प्राइम मूवर के द्वारा रन कर रही है, और अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है, कौन सी डायरेक्शन के अपोजिट में रन कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ये रन कर रही है, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी है, इसकी रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी। तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड रखी है 1800 आरपीएम, और 8 पोल, पोल कितने दे रखे हैं यहाँ पर, 8 पोल इंडक्शन मोटर दे रखी है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्लिप निकाल सकते हैं, क्योंकि रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है, रोटर की फ्रीक्वेंसी यानी एफ आर की जो वैल्यू होती है वो होती है स्लिप टाइम सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी। तो सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन स्लिप और हमें निकालनी होगी, तो स्लिप कैसे निकालते हैं, एनएस की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि स्लिप एनएस माइनस के एनआर डिवाइड बाय एनएस। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रोटर है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में, वो रोटर क्या कर रहा है, प्राइम मूवर अपोजिट डायरेक्शन में यानी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए यहां पर ये फार्मूला क्या हो जाएगा, एनएस माइनस माइनस ऑफ एनआर डिवाइड बाई एन एस, इससे हम स्लिप निकालेंगे, और इससे स्लिप की वैल्यू आ जाएगी एन एस प्लस एन आर डिवाइड बाई एन एस। तो इससे हम निकालें एन एस प्लस एन आर डिवाइड बाई एन एस, तो यहाँ पर एन एस की वैल्यू यहाँ पर 900 आरपीएम। अब इससे हम स्लिप निकाल सकते हैं, क्योंकि एन एस प्लस एन आर डिवाइड बाई एन एन एस से हम स्लिप निकाल सकते हैं, तो हमारी स्लिप की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, स्लिप इक्वल टू 900 प्लस 1800 डिवाइड बाई 1800, क्योंकि ये एन एस की वैल्यू आई है, और ये एन आर क्या दे रखा है, 1800 पहले से दे रखा है, तो इससे ये वैल्यू आ जाएगी स्लिप की वैल्यू 3। तो 3 टाइम्स हम क्या कर देते हैं, एफ आर की वैल्यू, अगर रोटर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो स्लिप टाइम स्टेटर ये फ्रीक्वेंसी हो गया, या हम रोटर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ये हो जाएगा एफ आर इक्वल टू स्लिप की वैल्यू क्या है 3 इंटू, सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी क्या रखी है 60 हर्ट्ज, तो ये आ जाएगी एफ आर की वैल्यू 180 हर्ट्ज। तो 180 हर्ट्ज यहाँ पर आ जाएगी रोटर करंट फ्रीक्वेंसी, यानी रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि एक लाइन होनी चाहिए कि प्राइम मूवर है यहाँ पर, ये एनएस और एनआर हम कब जोड़ेंगे, जब प्राइम मूवर है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो, प्राइम मूवर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर के बारे में, कि इंडक्शन मोटर है उसका रोटर रेजिस्टेंस रखा है 0.002 पर फेज रखा है,
क्या दे रखी है हमें, इंडक्शन। तो इंडक्शन मोटर में हमारा जो रोटर रेजिस्टेंस है, रोटर रेजिस्टेंस वो दे रखा है 0.002 ओम पर फेज, ये इंडक्शन मोटर में रोटर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब रेजिस्टेंस है इसको मान लीजिए 0.002 ओम से इसको क्या कर दिया है 0.004 ओम पर फेज कर दिया जाए, यानी इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए, तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगी, टॉर्क पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करें टॉर्क में कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि फॉर फिक्स्ड सप्लाई वोल्टेज टॉर्क ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर अंडर दी नॉर्मल रनिंग कंडीशन क्या होती है, टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फार्मूला होता है यहाँ पर के एस इंटू आर टू डिवाइड बाई आर टू स्क्वायर प्लस स्लिप टाइम एक्स टू का स्क्वायर। तो यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी मैक्सिमम टॉर्क के लिए बात करें, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क जब होती है तो मैक्सिमम टॉर्क में हम कह सकते हैं कि आर टू की वैल्यू किसके इक्वलेंट होती है, एस टाइम एक्स टू के इक्वलेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन हमारी मैक्सिमम कंडीशन में आर टू की वैल्यू है ये इसके आर टू की हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, टू प्रोपोर्शनलिटी होगी 1/2 एक्स टू के इसके इक्वलेंट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि चेंज ऑफ रोटर रेजिस्टेंस डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। तो रोटर रेजिस्टेंस में अगर चेंज होगा तो वो मैक्सिमम टॉर्क को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन में ये इसके इक्वलेंट होती है आर टू इक्वल टू एक्स टाइम एक्स टू, और इसके अकॉर्डिंग ये 1/2 एक्स टू हो जाएगा। और यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस से ये वैल्यू है चेंज नहीं होने वाली, और ये किसके अंदर बताया गया है, इंडक्शन मोटर के अंदर ही बताया गया है रोटर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होगी। फिर बात करते हैं रिलक्टेंस मोटर की, रिलक्टेंस मोटर क्या होती है और इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास में। रिलक्टेंस मोटर, तो रिलक्टेंस मोटर के बारे में इंफॉर्मेशन है पहली कि रिलक्टेंस मोटर है वो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। क्या है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है रिलक्टेंस मोटर। दूसरा, ये सेल्फ स्टार्टिंग है। क्या है, सेल्फ स्टार्टिंग। तो रिलक्टेंस मोटर है हमारी सेल्फ स्टार्टिंग है, और इसके अंदर नो डीसी एक्साइटेशन, यानी कि डीसी एक्साइटेशन की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है, नो डीसी एक्साइटेशन। तो कोई भी डीसी एक्साइटेशन की हमें रिलक्टेंस मोटर के लिए जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कब होता है अल्टरनेटर का। क्या देखते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन है नेगेटिव होता है कब, जब लोड पावर फैक्टर है वो लीडिंग होता है तभी ये नेगेटिव होता है। लीडिंग पावर फैक्टर लोड वोल्टेज रेगुलेशन में भी नेगेटिव, तो ये लीडिंग पावर फैक्टर में यहाँ पर अल्टरनेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन है। नेक्स्ट हम देखें टू फेज परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर है, रेटेड स्पीड दे रखी है 3600 आरपीएम और 5 पोल रोटर दे रखा है। क्या दे रखा है, टू फेज परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर, टू फेज परमानेंट मैग्नेट एसी, परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर है, इसकी रेटेड स्पीड दे रखी है 3600 आरपीएम। कितनी दे रखी है, 3600 आरपीएम दे रखी है, और ये 5 पोल रोटर दे रखा है, 5 पोल रोटर। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटर है यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर वोल्टेज टू ऑपरेट एट दिस स्पीड शुड बी,
यानी अर्मेचर वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर वोल्टेज, आर्मेचर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पूछी है, फ्रीक्वेंसी। तो टू फेज परमानेंट एसी मोटर दे रखी है, टू फेज परमानेंट एसी मोटर दे रखी है, तो हम आर्मेचर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 120 F डिवाइड बाई पी, ये हमारी होती है 120 F डिवाइड बाई पी। ये किसके लिए होती है, सिंक्रोनस स्पीड के लिए होती है, यानी एन की वैल्यू होती है। अगर हमें यहाँ से क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एन एस इंटू पी डिवाइड बाई वन। एन एस की वैल्यू क्या रखिए, सिंक्रोनस स्पीड या रेटेड स्पीड यहाँ पर दे रखिए 3600, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई जो ये यहाँ पर। तो यहाँ पर अल्टरनेटर वोल्टेज के अंदर यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर वोल्टेज है वो हम निकाल सकते हैं। इसके लिए टू फेज परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर दे रखी है, रेटेड स्पीड दे रखी है, मतलब कि ये एक तरीके से सिंक्रोनस स्पीड हो गई, यानी कि एनएसी हम मान लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे रिलक्टेंस टॉर्क इन रोटेटिंग मशीन इज प्रेजेंट बहिन, तो रिलक्टेंस टॉर्क है वो कब प्रेजेंट होती है मशीन के अंदर, रिलक्टेंस टॉर्क किसके अंदर, रोटेटिंग मशीन के अंदर बात कर रहे हैं हम, रोटेटिंग प्रेजेंट होता है। तो इट मे थस बी कंक्लूडेड दैट द रिलक्टेंस टॉर्क इज प्रेजेंट ओनली इन दोज इलेक्ट्रिकल मशीन इन विच द रिलक्टेंस सीन बाय द वर्किंग फ्लक्स वेरीज विथ रोटर मूवमेंट। तो यहाँ पर अगर उनके अंदर ऐसी मशीन जिनके अंदर रिलक्टेंस है वो वर्किंग फ्लक्स के साथ में वेरी करता है, वहीं पर रिलक्टेंस टॉर्क होता है। तो रोटेटिंग मशीन के अंदर अगर हम कह सक रहे हैं कि यहाँ पर कि रोटेटिंग मशीन के अंदर रिलक्टेंस जो है, रिलक्टेंस है वो वर्किंग फ्लक्स के साथ वेरी कर रहा है, वहीं पर रिलक्टेंस टॉर्क होगा, वर्किंग फ्लक्स के साथ में वेरी करेगा। तो ये डिपेंड इस पर नहीं करेगा कि रोटेटिंग मशीन है या किस तरह की मशीन है, हमें ये देखना होगा कि रिलक्टेंस है वो वर्किंग फ्लक्स के साथ में वेरी कर रहा है, रोटर मूवमेंट के साथ में रिलक्टेंस वेरी कर रहा है, तो वहाँ पर रिलक्टेंस टॉर्क होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखें, एक क्वेश्चन दे रखा है सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिंक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेटर बैक ईएमएफ, वो ईवी की वैल्यू किस पर डिपेंड होती है, तो बात कर रहे हैं हम सिंक्रोनस मोटर की। सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो ईवी बैक ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड करता है, तो इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड सिर्फ डीसी एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है, ओनली डीसी एक्साइटेशन के अकॉर्डिंग है इसका मैग्नीट्यूड डिसाइड किया जाता है बैक ईएमएफ का। सिंक्रोनस मोटर के अंदर बैक ईएमएफ है इज सेटअप इन द आर्मेचर यानी कि स्टेटर बाय द रोटर फ्लक्स विच अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, दिस बैक ईएमएफ डिपेंड ऑन द रोटर एक्साइटेशन ओनली एंड नॉट ऑन द स्पीड ऑफ डीसी मोटर, यानी स्पीड पर ही डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ ओनली एक्साइटेशन पर ये बैक ईएमएफ है यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर के अंदर वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करें कि मान लीजिए अप्लाइड वोल्टेज है कुछ ट्रांसफार्मर में वो इंक्रीज कर दिया गया 50% के साथ, तो ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया है और वोल्टेज को हमने इंक्रीज कर दिया है। मैग्नेटिक सर्किट को हमें कुछ चेंज नहीं करना है यहाँ पर, ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नेटिक सर्किट में कोई भी चेंज नहीं करना है। मैक्सिमम फ्लक्स कोर फ्लक्स डेंसिटी है वो कब होगी, यानी मैक्सिमम कोर फ्लक्स डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इससे ट्रांसफार्मर की क्या होती है मैक्सिमम
कोर फ्लक्स डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इसकी वजह से। तो कोर फ्लक्स डेंसिटी की बात करें, कोर फ्लक्स डेंसिटी में जो वैल्यू होती है, जैसे मैक्सिमम कोर फ्लक्स डेंसिटी है, उसको हम देते हैं वी बाई एफ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर वोल्टेज तो 50% बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1.5 वोल्ट कर दिया गया है, और फ्रीक्वेंसी है वो 50% कम कर दी गई है, यानी फ्रीक्वेंसी कर दी है 0.5 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कर दी है। तो वी वाई एफ तो सेम रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर पॉइंट के बाद ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया, यानी कि 1.5 में 0.5 का भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स वी वाई एफ आ जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फ्लक्स को डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि चेंज ऑफ 3 टाइम्स दी ओरिजिनल वैल्यू, यानी मैक्सिमम फ्लक्स जो डेंसिटी है वो 3 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के लिए हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें जैसे सेकेंडरी लोड इम्पीडेंस है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, वो हमें दे रखा है, यानी हमें ट्रांसफार्मर दे रखा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, सेकेंडरी लोड दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी लोड इम्पीडेंस एक तो जेड एस दे रखा है, एक जेड पी दे रखा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर दे रखा है। तो जेड एस की वैल्यू है यहाँ पर ज्यादा होगी या कम होगी, इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो जेड पी की वैल्यू यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो जेड एस की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी इम्पीडेंस है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, जिधर वोल्टेज ज्यादा होगा उधर इम्पीडेंस भी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी के अक्रॉस जो इम्पीडेंस होगी वो कम होगी, क्योंकि अगर हम बात करें एन वन और एन टू के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में एन टू की वैल्यू है वो क्या होता है, एन वन से ज्यादा। ये एन टू है। अब इसमें जो जेड पी की वैल्यू निकाली जाती है, जैसे जेड पी यहाँ पर इम्पीडेंस जो निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है, एन वन डिवाइड बाई एन टू का स्क्वायर, इसको जेड पी से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब जाके ये क्या आती है, जेड एस से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब जाकर के जेड पी की वैल्यू आती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जेड पी की वैल्यू है वो जेड एस से लेस देन है, क्योंकि तो एन टू की वैल्यू क्या है, एन वन से ज्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखें जैसे हमें दे रखा है 4 पोल जनरेटर, एक जनरेटर दे रखा है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। जनरेटर भी कैसा दे रखा है, 4 पोल दे रखा है जनरेटर, 4 पोल। अब 4 पोल जनरेटर के अंदर है, ये रन कर रहा है 1200 RPM पे, यानी कि जो स्पीड इसकी दे रखी है वो दे रखी है 1200 RPM। अब फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड है ऑफ द ईएमएफ जनरेटेड इन इट्स कॉइल आर रेस्पेक्टिवली, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी और टाइम पीरियड क्या होगा, ये हमसे पूछा है। एक तो फ्रीक्वेंसी पूछी है और यहाँ पर एक टाइम पीरियड पूछा है, यानी टी की वैल्यू हमसे पूछी है। और ये यहाँ पर स्पीड दे रखी है सिर्फ हमें 1200, और 4 पोल जनरेटर दे रखा है, इसी से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसी से हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले हम देखें जो सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है 120 f/p, तो इससे हम फ्री क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, एन एस इंटू पी, एन एस कितना है 1200, एन टू पी की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाई एन एस इंटू पी डिवाइड बाई 120। तो 120 से कट जाएगा 10 बार, यानी फ्रीक्वेंसी। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है, जैसे फ्रीक्वेंसी 40 हट जाएगी, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड हो जाएगा, यानी 1 0.025 सेकेंड, ये जनरेटर के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें
स्लिप के बारे में बात करते हैं। स्लिप रिंग एम्प्लॉयड इन ए थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन, तो थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन के अंदर स्लिप रिंग है एम्प्लॉय की जाती है और वो उनको इंसुलेटेड भी किया जाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर क्या दिया होता है, थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन दी हुई होती है, सिंक्रोनस मशीन, थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन के अंदर हमें दे रखा है स्लिप रिंग और स्लिप रिंग को हम इंसुलेटेड करते हैं। तो इस स्लिप रिंग को हम इंसुलेटेड क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है? तो स्लिप रिंग को इंसुलेटेड करने की वजह है कि लो वोल्टेज पर इसको इंसुलेट किया जाता है, क्योंकि पावर रिक्वायर्ड फॉर रोटर अबाउट 1 मेगावाट एट 500 वोल्ट और 200 MVA मशीन के लिए, यहाँ पर जो रोटर के लिए पावर चाहिए वो 1 मिलीवाट के आसपास चाहिए। तो रोटर स्लिप हैं वो इंसुलेटेड की जाती है 500 वोल्ट पर, यानी कि रोटर की जो स्लिप रिंग है यहाँ पर इंसुलेट की जाती है। क्यों स्लिप इंसुलेट की जाती है? लो वोल्टेज की वजह से इंसुलेट की जाती है, फॉर लो वोल्टेज, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर रोटर के अंदर 1 मिलीवाट की पावर जरूरत होती है, 1 मिलीवाट पावर की जरूरत होती है किसके लिए, 500 वोल्ट के लिए, और किसके कितने MVA मशीन के लिए, 200 MVA मशीन के लिए यहाँ पर जरूरत होती है। इसलिए हमें रोटर स्लिप को क्या करना होता है, इंसुलेटेड करना होता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे सेंट्रीफ्यूगल मेथड है रिकंडीशनिंग ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर, वो किस लिए काम में लिया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल मेथड रिकंडीशनिंग ट्रांसफार्मर ऑयल, रिकंडीशनिंग ट्रांसफार्मर उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल मेथड हम यूज करते हैं। अब ये सेंट्रीफ्यूगल मेथड है वो क्यों काम में लिया जाता है, तो रिकंडीशनिंग ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर सेंट्रीफ्यूगल मेथड क्यों काम में लिया जाता है, ये सॉलिड इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर हमें सॉलिड इंप्योरिटीज रिड्यूस करनी है तो रिकंडीशनिंग ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर हम सेंट्रीफ्यूगल मेथड यूज करते हैं, सॉलिड इंप्योरिटीज को हम इससे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि यहां पर क्या दे रखा है, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस है ट्रांसफार्मर का, वो किस पर डिपेंड करता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर वो किस पर डिपेंड करता है। ट्रांसफार्मर के बारे में बात हो रही है, इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये किस चीज पर डिपेंड करता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें, इंडक्टिव रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर में किसकी वजह से आता है, ये लीकेज फ्लक्स की वजह से यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस शो होता है, लीकेज फ्लक्स की वजह से शो होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में, थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में बात करते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, उसको फीड किया गया है रोटर साइड से, स्टेटर वाइंडिंग यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दी गई है। इसको फीड कहाँ से किया गया है, सिर्फ रोटर साइड से फीड किया गया है थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को, और स्टेटर साइड है यहाँ पर, स्टेटर साइड उसको क्या कर दिया गया है यहाँ पर, शॉर्ट सर्किट। फ्रीक्वेंसी ऑफ The current flowing in the short circuit winding will be, यानी frequency क्या होती है, तो short circuit की side frequency क्या होती है, तो ये हम पर जो frequency होती है वो कहलाती है हमारी slip frequency। जैसे stator side इसको short circuit कर दिया है तो ये कहलाएगी हमारी slip ring frequency, यानी slip frequency कहलाती है जो भी frequency यहाँ पर short circuit stator winding की side flow होती है। Next बात करें हम, जैसे कि 6 पोल DC मशीन दे रखी है, बाउंड आर्मेचर उसका दे रखा है, क्या दे रखी है, 6 पोल DC मशीन, और उसका जो आर्मेचर दे रखा है वो वेव बाउंड आर्मेचर दे रखा है, वेव
बाउंड आर्मेचर, यानी हम कह सकते हैं 6 वोल्ट डीसी मशीन है, वे बाउंड आर्मेचर उसका दिया हुआ है। नंबर ऑफ ब्रश कितनी जरूरत होगी, यानी कि ब्रश की रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि वेव बाउंड आर्मेचर के अंदर जो ब्रश की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 2। वेव बाउंड आर्मेचर है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के अकॉर्डिंग ये होती है, तो वेव बाउंड आर्मेचर के अंदर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रश भी कितनी जरूरत होगी, 2 होगी, क्योंकि वेव बाउंड के अंदर पैरेलल पाथ 2 ही होते हैं। पैरेलल पाथ के अकॉर्डिंग हम ब्रश डिसाइड करते हैं, और पैरेलल पाथ में 2 है तो ब्रश की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर 2 ही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर की। सिंक्रोनस मोटर को हम कहाँ पर यूज करते हैं, कैसी एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं, कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर सिंक्रोनस मोटर को यूज किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर, तो सिंक्रोनस मोटर की हम बात करें, सिंक्रोनस मोटर को हम कहाँ का यूज करेंगे, इनफ्रीक्वेंट स्टार्टिंग जहाँ पर भी हमें जरूरत होगी वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पर भी हमें इनफ्रीक्वेंट स्टार्टिंग की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर को हम वहाँ पर यूज नहीं कर सकते जहाँ पर हैवी लोड है, सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड वहाँ पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी लोड की कंडीशन में ये क्या करेगा, रोटर है हमारा आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म चला जाएगा। अगर हैवी लोड में अगर हम सिंक्रोनस मोटर को यूज करेंगे तो हमारा रोटर क्या होकर चला जाएगा, आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म चला जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर हम हैवी लोड में सिंक्रोनस मोटर को यूज नहीं करेंगे। और ये कहाँ पर यूज की जाती है सिंक्रोनस मोटर, जनरली वहाँ पर यूज की जाती है जहाँ पर ड्राइविंग लोड रिक्वायरमेंट, कॉन्स्टेंट स्पीड ऑपरेशन एंड इनफ्रीक्वेंट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग सच एज डीसी जनरेटर, ब्लोअर और कंप्रेसर में इसका यूज किया जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर को कहाँ यूज करते हैं, सिंक्रोनस मोटर को हम, जैसे पर क्या होगा, यहाँ पर हम ड्राइविंग लोड रिक्वायरिंग है वो कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन की जरूरत होती है, और इनफ्रीक्वेंट स्टार्टिंग और स्टॉपिंग हम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर का यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम इंडक्शन मोटर की। इंडक्शन मोटर की हम बात कर देंगे यहाँ पर, इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ इन दी फोर पोल इंडक्शन मोटर, तो फोर पोल इंडक्शन मोटर दे रखी है उसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है 50, और यहाँ पर रोटर की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, रोटर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखी है, रोटर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, स्लिप की वैल्यू हमसे पूछी है और स्पीड मोटर की पूछी है, यानी कि हमसे क्या पूछी है, स्पीड मोटर की पूछी है और स्लिप की वैल्यू हमसे पूछी है, ये दो चीज़ हमसे पूछी है। तो दो चीज़ हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो रोटर फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 1.5 हर्ट्ज, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि रोटर फ्रीक्वेंसी और ये सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी या फिर स्टेटर फ्रीक्वेंसी होगी, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये 50 हर्ट्ज जो दे रखी है यहाँ पर, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है इंडक्शन मोटर की, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ ऑफ फोर पोल इंडक्शन मोटर ये 50 हर्ट्ज दे रखी है, यानी हमारे पास में जो फार्मूला होता है स्लिप फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई एस इंटू रोटर फ्रीक्वेंसी, ये स्टेटर फ्रीक्वेंसी R की वैल्यू, यानी रोटर फ्रीक्वेंसी पहले से दे रखी है, ये वाली वैल्यू रोटर फ्रीक्वेंसी होती है स्लिप टाइम स्टेटर फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से होती है रोटर फ्रीक्वेंसी, अब रोटर फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, ये वाला फार्मूला गलत है यहाँ पर, जैसे FR की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है S इंटू FS, अब FR की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर पहले से 1.5 इंटू स्लिप की वैल्यू हमें 1.5 डिवाइड बाई 50, तो ये 0 ऊपर चली जाएगी और ये क्या हो जाएगा 3, यानी 3% हमारी क्या आ जाएगी, स्लिप आ जाएगी। अब स्लिप हमसे पूछी थी, स्लिप हमारी आ गई है 3%। अब हम स्पीड निकाल सकते हैं, यानी सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हैं। सिंक्रोनस स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम सिंक्रोनस स्पीड निकालनी है, तो एनएस की वैल्यू क्या होगी, 120 FP से हम निकालेंगे,
120 इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखी है 50 डिवाइड बाई पी, पी कितना दे रखा है 4 पोल, लेकिन 1500 आरपीएम जो आई है वो सिंक्रोनस स्पीड आई है, हमें निकालनी है सिर्फ स्पीड। तो सिर्फ स्पीड कैसे निकालते हैं, सिर्फ स्पीड निकालनी है तो 1 माइनस के एस इनटू एनएस से हम निकालते हैं, तो 1 माइनस के एस, एस की वैल्यू क्या है 3%, तो 3% को लिखेंगे हम 0.03 एंड इनटू एनएस, तो ये हो जाएगा 0.03 को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.97 इनटू स्लिप फ्रीक्वेंसी होगी 1500, तो 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट के बाद दो अंक 2 जीरो डट जाएंगे, 15 × 105 असल लगी 10, 15 × 95 135 और 10 × 145 तो ये कितना आ गया 1455 आरपीएम आ जाएगा, तो ये हमारी स्पीड आ जाएगी 1455 आरपीएम। तो यहाँ पर कौन कौन से फार्मूले काम आए हैं, जैसे कि हमारे पास में एक तो स्लिप का फार्मूला आया है, यानी स्लिप का फार्मूला ये होता है, एक हमारे पास में सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला काम आया है, और एक हमारे पास में यहाँ पर रोटर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला काम आता है। तो इन तीनों की मदद से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्या दे रखा है हमें, पिच फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, सिंक्रोनस मशीन के पिच फैक्टर के बारे में, यानी फुल पिच वाइंडिंग का सिंक्रोनस मशीन के अंदर पिच फैक्टर क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन दे रखी है और हमें बात करना है फुल पिच वाइंडिंग का पिच फैक्टर, फुल पिच वाइंडिंग के पिच फैक्टर की हमें बात करनी है, पिच फैक्टर क्या होता है। तो फुल पिच वाइंडिंग के पिच फैक्टर की बात करें तो फुल पिच वाइंडिंग का जो पिच फैक्टर होगा वो होगा 1। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे सिंक्रोनस मोटर की बात की हमने कि फुल पिच वाइंडिंग के अंदर पिच फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। अब हम बात करते हैं पावर ट्रांसफार्मर की, पावर ट्रांसफार्मर ब्रीथर हम क्यों लगाते हैं, तो बात करते हैं हम पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, तो पावर ट्रांसफार्मर में जो ब्रीथर लगाया जाता है वो किस लिए लगाया जाता है, ताकि हम जो भी मॉइस्चर है, मॉइस्चर विथ एयर, उसको रोक सकें, तो प्रिवेंट मॉइस्चर, यानी जो हवा के अंदर अशुद्धियाँ होती हैं उनको कहाँ पर नहीं जाने देगा, वो ऑयल टैंक के अंदर, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल टैंक है उसके अंदर नहीं जाने देगा, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की, जो एयर गैप है वो स्मॉल क्यों रखा जाता है, एयर गैप इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक मोटर की हम बात कर रहे हैं, एयर गैप, जैसे हमारा ये क्या रहता है, स्टेटर रहता है, ये अंदर क्या रहता है, रोटर रहता है, तो इसमें ये वाला जो एयर गैप रहता है, ये वाला सेक्शन एयर गैप रहेगा। अब ये एयर गैप स्मॉल क्यों रखते हैं, इसको स्मॉल रखने का कारण एक ही है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अचीव करने के लिए हमें यहाँ पर एयर गैप को मिनिमम रखना होता है। बात करते हैं हम एक टीटी ट्रांसफार्मर की, बात करते हैं उसको कौन सी कंडीशन में हमें कनेक्ट नहीं करना है, यानी टीटी जो ट्रांसफार्मर है, टीटी ट्रांसफार्मर, इसको कौन कौन से कनेक्शन में हम काम में ले सकते हैं, और जब इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो कौन सा कनेक्शन हमें काम में नहीं लेना है। जैसे हमें भी कभी भी स्टार और डेल्टा ये वाला कनेक्शन हमें काम में नहीं लेना है, हम ये कनेक्शन काम ले सकते हैं, वी कनेक्शन काम ले सकते हैं, स्टार कनेक्शन काम में ले सकते हैं, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन काम में ले सकते हैं, लेकिन स्टार डेल्टा कनेक्शन काम में हम नहीं ले सकते अगर हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। नेक्स्ट हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और स्पीड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, किसके अंदर होती हैं, दो चीज़ें होती हैं मोटर जनरेटर के अंदर,
एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है और एक स्पीड होती है, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में किसके अंदर होते हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टॉर्क और एक होती है हमारे पास में स्पीड, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी डिवाइस होती है जिसके अंदर होते हैं? तो ये शंट जनरेटर के अंदर ऐसी सिचुएशन आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और स्पीड है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो होती है शंट जनरेटर के अंदर ये सिचुएशन आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेटर के बारे में बात करते हैं। दो अल्टरनेटर हैं, अल्टरनेटर तो दो अल्टरनेटर है हमारे पास में। एक अल्टरनेटर हमारे पास में दे रखा है 100 मेगावाट, दे रखा है 200 मेगावाट के लिए। तो दो अल्टरनेटर दे रखे हैं, दोनों की हमारे क्या दे रखी है? ड्रॉप करेक्टिस दे रखी है 4% नो लोड टू फुल लोड, नो लोड करेक्टिस दे रखी है। जब भी ये नो लोड से फुल लोड जाएंगे ड्रॉप करेक्टिस यहाँ पर 4% दे रखी है। अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है और कितना शेयर करना है इनको लोड, यहाँ पर 250 मेगावाट इनको शेयर करना है पैरेलल में कनेक्ट करने पर। कितना शेयर करना है? 250 मेगावाट शेयर करना है। तो कौन सी मशीन है कितना शेयर करने वाली है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे हम ड्रॉप करेक्टिस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास में पावर सप्लाई है 100 मेगावाट अल्टरनेटर के अंदर, वो मान लीजिए कि एक 200 मेगावाट का है एक 100 मेगावाट का है, 250 हमें सप्लाई करनी है। मान लीजिए 100 वाला है वो एक्स मेगावाट सप्लाई कर रहा है, तो 250 मेगावाट वाला कितना सप्लाई करेगा? 250 माइनस एक्स, 250 में से एक्स चला जाए मेगावाट वाला सप्लाई करेगा। तो ड्रॉप स्पीड की बात करें हम, स्पीड में कितना होगा अल्टरनेटर के लिए, इसी ड्रॉप स्पीड की बात करें पहले के लिए, तो ड्रॉप स्पीड पहले के लिए क्या हो जाएगी? 4x डिवाइड बाई 100। और दूसरे के लिए क्या हो जाएगी? 4 इंटू 250 माइनस एक्स डिवाइड बाई 9। अल्टरनेटर है पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं तो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो 4x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 4 250 माइनस एक्स डिवाइड बाई 200। इससे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? 83.33 मेगावाट। वैल्यू शेयर करेगा तो वो हम निकाल लेंगे 250 माइनस 83.33 मेगावाट। तो इससे वैल्यू आ जाएगी शेयर करेगा तो ऐसे हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज है थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर के अंदर, वो क्या देगी? क्या दे रखा है? थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर दे रखा है, डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर दे रखा है और हमें दे रखा है अनबैलेंस सप्लाई, अनबैलेंस सप्लाई। तो अनबैलेंस सप्लाई है किसकी वजह से होगी? नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट करंट यहाँ पर देगी अनबैलेंस सप्लाई। एनी अनबैलेंस इन सप्लाई सिस्टम विल क्यूज नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो अनबैलेंस सप्लाई की वजह से यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट मिलेगा हमें, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में बात करते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग मेथड के बारे में बात करते हैं। हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क कौन सा मेथड हमें देगा, यानी हमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग मेथड के बारे में बात करनी है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर मेथड है उनके बारे में बात करें तो हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क कौन सा मेथड है देता है? तो डायरेक्ट ऑनलाइन जो मेथड है वो हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क देता है, DOL मेथड बोलते हैं जिसको, डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड। ये हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क देता है क्योंकि इसमें टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? डायरेक्टली वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड है, अप्लाइड वोल्टेज इज मैक्सिमम
वेयर एज इन ऑल अदर मेथड द रिड्यूस वोल्टेज इज अप्लाइड टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट। तो स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए बाकी जो मेथड है जैसे कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड है या फिर रिएक्टर स्टार्टर है या फिर हम बोल सकते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर है, इनमें वोल्टेज को रिड्यूस किया जाता है ताकि स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस किया सके। लेकिन जो डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड है इसमें डायरेक्ट वोल्टेज की स्क्वायर होती है और इसमें वोल्टेज मैक्सिमम होता है, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये हाईएस्ट टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क है प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं हम सिंक्रोनस मोटर की, इसकी बात करेंगे थ्री फेज फोर पोल सिंक्रोनस मोटर की। थ्री फेज फोर पोल 50 हर्ज सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं। सिंक्रोनस मोटर तो थ्री फेज फोर पोल 50 हर्ज सिंक्रोनस मोटर है। दी फ्रीक्वेंसी पोल नंबर एंड दी लोड टॉर्क आर हाफ, यानी यहाँ पर क्या करना है, फ्रीक्वेंसी भी हमने हाफ कर दी है, हाफ कर दिया है और यहाँ पर क्या किया है लोड टॉर्क भी हाफ कर दिया है, लोड टॉर्क इसको भी यहाँ पर हाफ कर दिया जाए तो मोटर की स्पीड क्या होगी, जैसे पहले क्या स्पीड थी अब क्या होगी। तो यहाँ पर बात करें स्पीड की तो फ्रीक्वेंसी अगर हाफ कर दी है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 25 हर्ट्ज, पोल हाफ कर दिए तो पोल हो जाएंगे 2, तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी, तो 60 × 25 करेंगे 25 की। तो जैसे ही हम क्या करेंगे इन चीजों को हाफ करेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, यानी मोटर की स्पीड है चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर वैंग की बात करेंगे। बैलेंस थ्री फेज लोड है 400 केवीए, ईच ट्रांसफार्मर वीवी वैंग क्या होगी, यानी हमें क्या दे रखा है ट्रांसफार्मर वैंग की बात कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर वीवी वैंग की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमें सप्लाई करना है बैलेंस थ्री फेज लोड 400 केवीए, थ्री फेज लोड और हमें बैलेंस सप्लाई है ट्रांसफर करना है, बैलेंस सप्लाई ये करना है। तो हम क्या करना है कितनी केवीए इसको लें, 400 केवीए लगना है थ्री फेज के अंदर, तो कितनी केवीए हम एवरेज रेटिंग लें, तो टोटल केवीए रेटिंग की जरूरत हमें जो पड़ेगी तो टोटल केवीए रेटिंग की जरूरत कितनी पड़ेगी, जैसे कि 400 केवीए का है तो टोटल केवीए रेटिंग हम निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे टोटल केवीए रेटिंग, टोटल केवीए रेटिंग हमारी हो जाएगी, तो टोटल केवीए रेटिंग रिक्वायर्ड है वो हो जाएगी हमारी 400 डिवाइड बाय 0.866, ये लैगिंग के अकॉर्डिंग हमने लिया है तो ये 46 केवीए हो गया। अब प्रत्येक ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमें निकालनी है तो प्रत्येक ट्रांसफार्मर कितना है 2, दो ही ट्रांसफार्मर है तो 23 केवीए का ट्रांसफार्मर आ जाएगा, तो ईच ट्रांसफार्मर रेटिंग क्या जाएगी 23 केवीए आ जाएगी यहाँ पर 23 केवीए। तो केवीए रेटिंग हम कैसे निकालते हैं ट्रांसफार्मर की वो हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये टोटल केवीए रेटिंग है यानी कि टोटल केवीए रेटिंग 0.66 है, यानी कि cos phi जो होता है cos 0.66 यानी लैगिंग पावर फैक्टर है 0.6, उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया गया है। फिर हम बात करते हैं डीसी जनरेटर की, किसकी बात करते हैं डीसी जनरेटर। क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज प्रोपोर्शनल टू, तो डीसी रेजिस्टेंस होता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस, तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल की डायरेक्टली। अब बात करते हैं फुल पिच वाइंडिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन बोथ कॉइल साइड आर, तो फुल पिच वाइंडिंग है वो इंड्यूड ईएमएफ के अकॉर्डिंग बात करते हैं, यानी इंड्यूड ईएमएफ की हम बात कर रहे हैं, इंड्यूड ईएमएफ और फुल पिच वाइंडिंग की हम बात करेंगे
पिच्ड बाइंडिंग, तो फुल पिच्ड बाइंडिंग के साथ में जो इंड्यूड ईएमएफ है वो एडिशन में होता है ये। फॉर द फुल पिच बाइंडिंग कॉइल द टू कॉइल साइड ऑलवेज रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अपोजिट साइड अपोजिट पोल। इफ वन पोल साइड इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन पोल देन द अदर कॉइल साइड विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ पोल। तो हम कह सकते हैं कि एक कॉइल का जैसे कोई कॉइल है इसका एक सिरा अगर नॉर्थ पोल के अंदर होगा तो एक सिरा है साउथ पोल के अंदर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल साइड आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ईएमएफ है यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वो दोनों ऐड करते हैं, दे ऐड ईच अदर, तो एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर पाई जाती है। अब बात करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर को अगर ब्लॉक कर दिया जाता है तो स्लिप की वैल्यू क्या होती है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का रोटर अगर ब्लॉक कर दिया गया है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का रोटर क्या कर दिया गया है, रोटर यहां पर ब्लॉक कर दिया गया है यानी ब्लॉक्ड है रोटर, तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी? तो स्लिप यहां पर जीरो होगी। अगर क्योंकि ब्लॉक रोटर मतलब क्या है, ब्लॉक रोटर मतलब एनआर की वैल्यू क्या है, जीरो, और एनआर की वैल्यू जीरो है इसका मतलब स्लिप की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ns माइनस nr डिवाइड बाई ns, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्लिप की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पर स्लिप की वैल्यू 0 नहीं होगी, स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक का है तो इसकी स्लिप की वैल्यू 1 होगी क्योंकि nr की वैल्यू 0 है और nr की वैल्यू 0 से यहाँ पर स्लिप 1 आएगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ब्लॉक की वैल्यू क्या है स्लिप से हम निकालेंगे, और ब्लॉक रोटर कंडीशन के अंदर यहाँ पर एनआर की वैल्यू जीरो होती है और ये क्या है, रोटर ब्लॉक की कंडीशन है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे थ्री फेज स्टार कनेक्टेड जनरेटर दे रखा है, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड जनरेटर, स्टार कनेक्टेड जनरेटर, तो थ्री फेज स्टार कनेक्टेड जनरेटर दे रखा है। इफ द फंडामेंटल एंड थर्ड हार्मोनिक्स आरएमएस वोल्टेज इन ईच फेज आर रेस्पेक्टिवली, तो फंडामेंटल वोल्टेज यहां पर दे रखा है वो दे रखा है वी वन फंडामेंटल वोल्टेज, और थर्ड हार्मोनिक्स यहां पर दे रखा है वो कितना दे रखा है, वी थ्री दे रखा है यहां पर, यानी फंडामेंटल वोल्टेज दे रखा है और थर्ड हार्मोनिक्स यहां पर दे रखा है। द लाइन वोल्टेज ऑफ जनरेटर विल बी, तो जनरेटर का लाइन वोल्टेज क्या होगा, जनरेटर लाइन वोल्टेज, तो जनरेटर के लाइन वोल्टेज की बात करें, जनरेटर का लाइन वोल्टेज क्या होगा, जनरेटर का लाइन वोल्टेज अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा जैसे हमारा जो फेज वोल्टेज है यहाँ पर वी फेज वोल्टेज, वो होता है अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर यानी थर्ड हार्मोनिक्स का स्क्वायर, लेकिन लाइन वोल्टेज जो होता है वो होता है अंडर रूट थ्री टाइम्स, क्योंकि क्या दे रखा है, स्टार कनेक्टेड, स्टार में हम देखें कि स्टार क्या रहा है, इस वी को हम ऐसे बढ़ा देते हैं इसका मतलब डेल्टा में वोल्टेज सेम रहता है करंट सेम रहती है, तो ये अंडर रूट थ्री टाइम्स वी फेज वोल्टेज होगा, तो ये हम कह सकते हैं कि अंडर रूट थ्री टाइम्स वी फेज वोल्टेज होगा, तो अंडर रूट बी वन स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी जनरेटेड लाइन वोल्टेज है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, कौन सा वोल्टेज है इस तरीके से निकालते हैं हम, और लाइन वोल्टेज है स्टार कनेक्टेड के अंदर इस तरीके से होता है, और इसके अंदर हम इसको कैलकुलेट स्क्वायर से ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, ईएमएफ पर टर्न इन द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑलवेज द इंड्यूस्ड इन पर टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी बात कर रहे हैं, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर हम बात कर रहे हैं
ईएमएफ पर टर्न इन दी सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी एक तरफ हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, एक तरफ हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। तो ईएमएफ की हम बात करें, ईएमएफ कैसा होता है? तो ईएमएफ है, ईएमएफ पर टर्न इन दी सेकेंडरी वाइंडिंग, वो ईएमएफ पर टर्न इन दी प्राइमरी वाइंडिंग के 1/k टाइम्स होता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग ये ईएमएफ है और ये ईएमएफ है सेकेंडरी वाइंडिंग के। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ है 1/k टाइम्स दी ईएमएफ ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग होता है। तो के क्या है यहाँ पर? टर्न रेशियो है ट्रांसफार्मर का। और ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो टैप्ड क्यों की जाती है? वाइंडिंग टैप्ड है, तो मिडिल में यहाँ पर वाइंडिंग टैप की जाती है ट्रांसफार्मर की। तो वो टैप्ड क्यों की जाती है उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पर वाइंडिंग के अंदर एक्सियल फोर्स को रिमूव करने के लिए इसको टैप्ड किया जाता है, टू इलिमिनेट दी एक्सियल फोर्स ऑन दी वाइंडिंग वी टैप्ड दी मिडिल ऑफ वाइंडिंग टू दी ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को मिडिल में टैप किया जाता है, जैसे हम इस तरीके से ट्रांसफार्मर को मिडिल में टैप करते हैं, इसके अंदर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में इस तरीके से यहाँ पर दो डायोड लगाते हैं और यहाँ पर इधर प्राइमरी होगी सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के अंदर। तो मिडिल में क्यों टैप किया जाता है? ताकि हम क्या कर सकें, टू इलिमिनेट इलिमिनेट दी एक्सियल फोर्स ऑन दी वाइंडिंग। तो वाइंडिंग में एक्सियल फोर्स को इलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर इसको टैप किया जाता है। तो इस तरीके से हमने 15 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर देखे हैं, उनका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है।